चाहे कोरोना हो या फिर कोई भी महामारी, एक्टर्स अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं। आपको बताना चाहता हूं, इस भयंकर पेंडेमिक के दौरान भी एक्टर्स अपनी फिल्मों को लेकर बहुत ज्यादा सजग हैं। फिल्मों में वो काम करते हैं, एक दिन ऐसा नहीं छोड़ते, वो मास्क लगाकर काम करते हैं, सैनिटाइज होकर काम करते हैं, कोरोना पीड़ित होने के बावजूद भी काम करते हैं। बहुत से एक्टर्स हैं जो कि इस वक्त कोरोना से जूझ रहे हैं, चाहे वो विकी कौशल हो, अक्षय कुमार हो, गोविंदा जी हो, आलिया भट्ट हो, या फिर बहुत से अलग अलग एक्टर्स। इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी वो अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, और जिस तरीके से वो अपनी फिल्मों में पैसा चार्ज करते हैं, ऑफकोर्स ये उनकी मेहनत और लगन का ही नतीजा है। इस वीडियो में मैं राहुल भोज आपको बताऊंगा 2021 के वो रिच एक्टर्स जिन्होंने अपनी आने वाली फिल्मों के लिए ह्यूज अमाउंट चार्ज किया है, जो कि सुनकर बहुत ज्यादा आपको शक हो जाएगा, क्योंकि ये कुछ बात ही ऐसी है। स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया हूं मैं बताने के लिए जरूरी बात। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, हर जगह पे मौजूद हूं मैं, तो आप लोग मुझे वहां पर राहुल भोज के नाम सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले 10th पोजीशन पर। तो 10th पोजीशन पर है कुली नंबर 1 बने, जो नंबर 2 के कुली नंबर 1 बने, यानी कि वरुण धवन। वरुण धवन इस वक्त जो है वो भेड़िया में बहुत ज्यादा बिजी हैं। भेड़िया एक फिल्म आने वाली है, अगर आपने ये फिल्म देखी होगी जिसमें कि अभी जानवी कपूर थी और जिसमें कि राजकुमार राव थे, रूही, उसमें उनका एक प्रोमो भी नजर आया था, एक टीजर भी नजर आया था। वरुण धवन भेड़िया में काम कर रहे हैं और उसके लिए वो जो है 48 करोड़ चार्ज कर रहे हैं, ऐसी मीडिया खबरें हैं, रिपोर्ट्स हैं। नंबर 9 की बात करते हैं तो नंबर 9 पर है रणवीर सिंह। 40 करोड़ है रणवीर सिंह का एक फिल्म साइन करने का अमाउंट, 40 करोड़ प्लस उनकी बॉक्स ऑफिस सक्सेस ले लीजिए, चाहे वो बाजीराव मस्तानी हो, चाहे वो पद्मावत हो, ये अलग अलग फिल्म्स ने उन्हें जो है सुपरस्टार बना दिया। उनकी फिल्म आने वाली है जैसे 83 सूर्यवंशी में हालांकि वो थोड़े से ही रोल में दिखेंगे, बट वो हैं, और साथ ही साथ जयेश भाई जोरदार, ये भी उनकी एक फिल्म आने वाली है। नंबर 8 की बात करते हैं तो आते हैं जॉन अब्राहम। सत्यमेव जयते 2 की शूटिंग में आजकल जबरदस्त तरीके से बिजी हैं वो। रिसेंटली उनकी मुंबई सागा भी आई और साथ ही साथ अटैक उनकी एक फिल्म आने वाली है। जॉन अब्राहम जो है 46 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं दोस्तों अपनी एक फिल्म में काम करने के लिए, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, खबरें हैं। 2021 में उन्होंने इस तरीके से ही काम किया है। फिर अगर बात करें अजय देवगन की, यानी कि नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर, और वो भी एक बार नहीं दो बार नेशनल अवार्ड जीते अजय देवगन साहब, 52 करोड़ चार्ज करते हैं एक फिल्म में काम करने के लिए। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया ले लीजिए, या थैंक गॉड ले लीजिए, या फिर उनकी आने वाली फिल्म्स ले लीजिए। अजय मैदान भी आ रही है उनकी, बाय द वे एक फिल्म। अजय देवगन ने अक्सर अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया है और एक से एक बेहतरीन फिल्म प्रदान करी है। फिर उसके बाद नंबर 6 पर आते हैं रणबीर कपूर। रणबीर कपूर 58 करोड़ चार्ज करते हैं दोस्तों, और उनकी जो फिल्म आ रही है वो ब्रह्मास्त्र है। हालांकि इस फिल्म की शूटिंग जो है रैप अप हो चुकी है, लेकिन इस दौरान कोरोना की खबरें भी आई और रणबीर कपूर भी कोरोना संक्रमित हुए, आलिया भट्ट भी कोरोना संक्रमित हो गई हैं, और इस तरीके से बेसिकली ये फिल्म पर एक ग्रहण भी लगा है। ये फिल्म हालांकि 2019 के एंड में आने वाली थी, बट 2020 के फिर आने वाली थी, लेकिन फिर पेंडेमिक हो गया, फिर अब 2021 में आएगी। आगे बात करते हैं नंबर 5th की, तो नंबर 5th पे है HR, यानी कि ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन की बात करें तो क्रिश 4 में वो आजकल काम कर रहे हैं, मतलब स्क्रिप्ट राइटिंग, डायलॉग्स और इस तरीके से, और वो फाइटर में भी अपना काम कर रहे हैं। फाइटर के लिए ऐसी खबरें हैं कि वो 65 करोड़ उन्होंने चार्ज किया है, विच इज वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट। फिर नंबर 4 पर आते हैं एक साल में 4 फिल्में करने वाले अक्षय कुमार की, जो कि इस वक्त कोरोना से ग्रसित हैं, और हम दिल से कामना करते हैं कि अक्षय कुमार जो है फटाफट कोरोना से ओके हो जाएं और वो फिल्म्स में वापस लौट जाएं। इस साल हालांकि उनकी सूर्यवंशी रिलीज होने वाली थी, अभी वो रिलीज होगी या नहीं होगी इस पर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वहीं उनकी बेल बॉटम रिलीज होने वाली है, राम सेतु की फिल्म के दौरान ही वो जो है राम सेतु के दौरान ही फिल्मांकन के दौरान ही वो कोरोना पॉजिटिव हो गए, और उनके साथ 45 जूनियर आर्टिस्ट भी। नंबर 3 पर आते हैं मिस्टर आमिर खान, परफेक्शनिस्ट के नाम से जानने वाले आमिर खान, जो कि लाल सिंह चड्ढा के लिए बहुत ज्यादा चर्चाओं का विषय बन गए हैं। 74 करोड़ उन्होंने चार्ज किया, ऐसी खबरें हैं, और वो
प्रॉफिट शेयरिंग का हिस्सा भी लेंगे। अब पता नहीं वो कितना होगा, हमें नहीं पता। आगे बात करते हैं दोस्तों SRK की, यानी कि शाहरुख खान की। शाहरुख खान ने इस तरीके से पठान में चार्ज किया है वो हम सबको पता है, मीडिया रिपोर्ट्स कुछ ऐसी आई हैं कि 100 करोड़ उन्होंने चार्ज किया है, विच इज वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट। शाहरुख खान की वापसी है आफ्टर जीरो, और जीरो के बाद अब वो पठान में अपना अभिनय का दम दिखाते हुए नजर आएंगे, विच इज वेरी गुड थिंग। नंबर वन पर आते हैं, सबकी आन सबकी शान हम कहें, सलमान खान। और सलमान खान की फीस दोस्तों नहीं होती है ज्यादातर, वो प्रॉफिट शेयरिंग का हिस्सा लेते हैं जब से वो इतने बड़े सुपरस्टार बने हैं। और ज्यादातर ये खबरें थी कि वो 105 करोड़ जो है पर्सन चार्ज करते हैं। तो 2021 में ये बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो कि बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए बड़े बड़े पैसे चार्ज कर रहे हैं, पैंडेमिक के दौरान भी। आप लोगों को इस पर क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और मुझे इजाजत दें आप।